ज्योति जानी फ्रॉम जेजेस किचन। फ्रेंड्स, सब्जी तो हम बहुत बनाते हैं पर आज हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे। मेथी की सीजन चल रही है तो मैं आपको मेथी मटर मलाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी और कुछ डिफरेंट भी लगेगा। चलिए तो मेरे साथ बनाइए। इसमें हम सबसे पहले ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, 8 से 10 काजू के पीसेस लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्ची जिसको रैंडमली कट किए, ये खड़े मसाले थोड़े हैं। हम क्रीम डालेंगे इसीलिए मैंने इलायची इसमें ली है, और ये 3 लौंग है, और 4 से 5 ब्लैक पेपर के पॉड्स लिए हैं, और ये हमारी ग्रेवी को ग्रीन रखने के लिए मैंने 7-8 पत्ते लिए हैं पालक के, ताकि हमारे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा टेक्स्चर, कलर और फ्रेग्रेंस मिले। अब मैं ये सारे सामान को, मसाला और सब को इसमें मिक्स कर रही हूँ। हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना ही पानी ऐड करेंगे, फिर हमें चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो प्यूरी है एकदम से मस्त फाइन, ये देखिए आप पेस्ट ही हो गया है। इस तरह से ही हमको फाइन पेस्ट चाहिए, और कितना अच्छा प्यारा कलर ग्रीन मिला है ना। अगर आपको ग्रीन ग्रेवी नहीं रखनी है तो आप पालक के पत्ते नहीं डालना, आपको रेड ग्रेवी का ही टेक्सचर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम मेथी ली है जिसको मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। इसको ना हम पहले ब्लांच कर लेंगे। यहाँ पर ये पैन मैंने रख दिया है, इसमें मैं 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, और इसको ना ये सारी मेथी मैं इसमें डाल के इसको हम ब्लांच कर देंगे। एक्चुअली इसका जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाएगा, तो इसका जो कड़वाहट जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम मेथी का बना रहे हैं तो इसका पानी वगैरह नहीं निकालेंगे। इसको इस तरह से 1-2 या 3 मिनट के लिए हम ब्लांच कर देंगे। आप गैस की आंच ना स्लो रखिएगा ताकि ये मेथी जो है हमारी जल ना जाए, क्योंकि इसका जैसे ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा ये जलने लगेगी। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मेथी का मॉइस्चर सारा निकल गया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल आप पानी नहीं देख सकेंगे और एकदम से ब्लांच हो गई है, और इसकी जो ये पानी कम हो गया है, मतलब जो इवेपोरेट हो गया, इसकी वजह से इसका जो कड़वाहट जो है वो भी कम हो जाती है, ताकि हमें जो सब्ज़ी है उसमें अच्छा टेस्ट मिले। अब मैं इसको इसी स्टेज पे निकाल देंगे हम। यहाँ पर हमने पैन रख दिया है, मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें 1/2 टेबलस्पून जितना जीरा हम डालेंगे, 2 लाल मिर्च और 1 बे लीफ तेज पत्ता, और इसको हम ना थोड़ा सा इस तरह से सौते कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन की बड़ी पॉड्स से कलियाँ थी तो मैंने वो ही बारीक काट के ले लिए। इसको हम 1 मिनट इस तरह से सौते करेंगे। इसको जला नहीं देना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये हमारा थोड़ा सा रोस्ट हो गया है। मैं यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 2 बारीक काट के प्याज ले लिए है, एकदम मीडियम आंच पे हम सारा करेंगे। ये हमारे प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गए, हमें इसको पिंक नहीं करना है, इतना ही है होना चाहिए। अब इसमें हमने ये जो ग्रेवी बनाई है ये हम ऐड कर रहे हैं। मैंने ये मिक्सचर जार में 2 चम्मच जितना पानी डाला है, क्योंकि हमें गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा वाटर नहीं डालेंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब ये इसको जो ग्रेवी है और प्याज को हम सौते करेंगे। इसको जब तक इसका जो थोड़ा थिकनेस हमें मिले तब तक हम इसको स्लो आंच पे सौते करेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गई है मुझे सौते करते हुए स्लो आंच पे। अब ये हमारा जो ग्रेवी है देखिए कढ़ाई छोड़ रही है, तो मैं इसी स्टेज पे मसाले ऐड कर रही हूँ। ये जो है धनिया पाउडर, धनिया और जीरा का पाउडर है, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। अब यहाँ पर ना अगर आपको गोल्डन येल्लो कलर का आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें हल्दी पिंच 1/4 स्पून हल्दी और
एक टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करिएगा, और ग्रेवी में आप हरी मिर्ची कम डाल देना ताकि आपका जो टेस्ट है वो कंपनसेट हो जाए। और ग्रेवी में जैसे मैंने पालक के पत्ते डाले हैं वो भी आप नहीं डालना, ताकि आपको गोल्डन येल्लो कलर जो ग्रेवी का चाहिए वो मिल जाएगा। अब यहाँ हमारी ग्रेवी जो है मसाला भी भून गया है, अब मैं हमने जो मेथी ब्लांच की थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेथी हमारी 200 ग्राम थी तो मैंने 100 ग्राम ये जो है मटर लिए है, और ये मेरे फ्रोज़न मटर है इसीलिए मैं ये इस वक्त डाल रही हूँ। अगर आप कच्चे मटर ले रहे हैं क्योंकि अभी सीज़न है तो आपको मेथी जब मैंने सौते की थी उस वक्त ये मटर को भी डाल के साथ में हल्के से उसको आधा ऐसा कच्चा नहीं रह जाए, 80% आपको उसको ब्लांच कर देना है। अब यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ, मैं 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। एक अच्छा सा स्टियर करके इसको हम ढक के थोड़ी देर रख देंगे। हम 2 से 3 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा ये जो ग्रेवी है बिल्कुल उबल चुकी है। ये देखिए थिकनेस बहुत ही अच्छी मिली है हमें। तो इसी टाइम पे मैं यहाँ पर इसमें क्रीम डाल रही हूँ। ये क्रीम जो है ये घर का ही क्रीम है, मैंने अपनी जो मलाई होती है मलाई को थोड़ा सा फेंट लिया है इस तरह से, आधा कप है क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो है उसी हिसाब से मैंने लिया है। ये आधा कप क्रीम जो है हमने ऐसे ही फेंट लिया है। आप अमूल का रेडीमेड जो क्रीम आता है वो भी ले सकते हैं, मैंने घर का लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम मेथी मटर मलाई बना रहे हैं तो मलाई तो इसमें होगी। देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आया है। हम जैसे इसको हिलाएंगे ये जैसे ही इसका टेक्सचर बिल्कुल बदल जाएगा। और यहाँ पर मैं ये गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून जितना ऐड कर लूँगी। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं ऐड करना, मैंने थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए इसमें ऐड किया है। हमारी ग्रेवी का कलर जो है बिल्कुल बदल गया, एकदम से अलग हो गया है। तो हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर और स्मेल अरोमा तो इतनी अच्छी आ रही है और मुंह में पानी आ रहा है। ये हमने इसमें क्रीम ऐड किया है ना, तो हम क्रीम को इसमें मसाले अच्छे से इसमें मिल जाए इसलिए हम 2 मिनट इसको ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। इस स्टेज पे आप देख लेना अगर आपको नमक कम पड़ रहा है या आपको थोड़ा स्वीट टेस्ट चाहिए तो आप 1 टीस्पून जितनी शक्कर इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट इज वो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने ऐड नहीं किया है। लवली, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, मुंह में पानी आ गया। ये देखिए हमारी जो ये मेथी मटर मलाई जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी हमको ऐसी ही चाहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत ही बढ़िया अरोमा है। अब इसको ना मैं सर्व कर रही हूँ। मेथी मटर मलाई मैंने सर्व कर दिया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू है और बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मेथी कोई नहीं खा रहा है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सब लोग उंगलियां चाटेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपके कमेंट्स लिखना कि कैसी बनी है। थैंक यू।